अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, क्लास 6, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5। द टॉपिक इज ग्राफिक्स इन पब्लिशर 2013, लेक्चर नंबर 16। जी स्टूडेंट, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में कुछ ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू वर्क विद द पिक्चर्स, ठीक है, हाउ टू डू द वर्क विद द, हाउ कैन वी सिलेक्ट रैपिंग अराउंड अ पिक्चर, हाउ कैन वी मूव अलाइनमेंट एंड रिसाइज अ पिक्चर। So today we topic about the scratch area. So basically scratch, you already know about the scratch area is the gray area that appears around the publication page. It can be used to a temporary holding area. If you are not sure where you want to move an item, you can drag it to the scratch area. The scratch area is saved with the publication. Therefore, the pictures in the scratch area will be there in the next time you open your publication. Okay? So how to select the multiple objects in the scratch area? If you wish to select a multiple या multiple objects in the scratch area, click one image, press shift and then click the other image one by one. ठीक है, आपने कीबोर्ड से shift का बटन प्रेस करना है और उसी तरह ही आपने हर पिक्चर को one by one select करना है, ठीक है। Another way to select multiple objects is to draw a box around the them with your mouse, keeping the left mouse button pressed. When you release the button, you will see that all the images within a box have been selected. As shown the picture, students, 5.18 picture. Then you have to select the picture in the scratch area. Okay, it depends upon the कि बेटा आप पिक्चर में देखें, आप इस पिक्चर के मुख्तलिफ किस्म के आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं और जिसकी बाउंड्री है वो ग्रे कलर से कि हाईलाइट हुई हुई है, इसका मतलब है कि आपने कितना एरिया जो है वो स्क्रैचिंग में लिया है, ठीक है। तो देखें, इस पिक्चर को उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो बेसिकली क्या किया, उसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग कर लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे अरेंजिंग पिक्चर्स एज अ थंबनेल्स। सो बेसिकली अ थंबनेल इज अ ग्राफिक इमेज इन रिड्यूस साइज विच हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग पिक्चर्स एंड टू सेव स्पेस। टू अरेंज द पिक्चर थंबनेल्स ऑफ ऑल द इमेजेस इन द स्क्रैच एरिया, यू हैव टू फॉलो द स्टेप स्टूडेंट्स। क्लिक द फॉर्मेट टैब अंडर द पिक्चर टूल्स, क्लिक द अरेंज थंबनेल्स बटन इन द अरेंज ग्रुप, द पिक्चर्स गेट अरेंज इन द स्क्रैच एरिया, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाउ टू अरेंज थंबनेल्स, आपने क्या करना है, 5.19 पिक्चर देखें, आपने अरेंज थंबनेल्स पे जाके इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड अलाइंड रैप टेक्स्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। इन पिक्चर 5.20 यू कैन सी हाउ टू अरेंज द थंबनेल्स इन द स्क्रैच एरिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको थंबनेल सेलेक्ट करें और थंबनेल के बाद देखें ये ग्रे एरिया जो है ये यहां से क्या हो जाएगा, आपको यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने इसको थंबनेल के जरिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं स्वैपिंग पिक्चर्स की, ठीक है। स्वैपिंग पिक्चर्स, द पिक्चर प्लेस होल्डर हैज अ प्लेस होल्डर आइकन, आफ्टर द प्लेस होल्डर इज रिप्लेस्ड विद अ पिक्चर, द आइकन चेंजेस टू अ स्वैप आइकन। Pictures in the scratch area also show swipe icons. You can also drag to swipe icons to swipe pictures, or press or hold or right click the swipe icon to display the shortcut menu with move option. ठीक है, अब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको एक टिप में बताती चलूं, टू स्वैप द पिक्चर्स यूजिंग द राइट बटन, सिलेक्ट द पिक्चर्स, ड्रैग द माउस वाइल प्रेसिंग द राइट बटन, When the pink boundary is display, release the mouse button. जैसे आपको पिंक बाउंड्री नजर आए तो आप माउस को जैसे ही रिलीज करेंगे, यानी माउस को आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे एक शॉर्टकट अपेयर होगा, सिलेक्ट द स्वैप ऑप्शन, द पिक्चर्स विल बी स्वैप। उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी पिक्चर इजिली स्वैप हो जाएगी। अच्छा, अब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखें, ये आपको पिक्चर शो हो रही है स्वैप आइकन की, कि आपने जैसे यहाँ पे ट्रैक करके माउस को रिलीज किया तो ये पिक्चर स्वैप हो गई। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। इन द स्क्रैच एरिया सिलेक्ट द पिक्चर यू वांट टू स्वैप विद द पिक्चर इन द पब्लिकेशन, द सिलेक्टेड पिक्चर डिस्प्ले द स्वैप आइकन, फ्रॉम द स्क्रैच एरिया ड्रैग द स्वैप आइकन ऑफ द पिक्चर टूवर्ड्स द पिक्चर ऑन द पब्लिकेशन। उसके बाद व्हेन द पिंक बाउंड्री इज डिस्प्लेड रिलीज द माउस बटन टू स्वैप द पिक्चर, ठीक है। वही आपको मैंने अभी इसके बारे में बताया है कि ये पिक्चर देखें, ये बेसिकली स्वैप आइकन से पिक्चर सिलेक्ट हुई की गई है, ठीक है, बहुत इजी है। ये देखें, ये आपको पिंक जो है बाउंड्री नजर आ रही है, ये पिंक शेडेड में, ठीक है। व्हेन द पिंक बाउंड्री इज डिस्प्लेड द रिलीज माउस बटन टू स्वैप द
picture. It's very easy, students. You can do by self. So as your work, you have to learn the topic, scratch the area, page number 77 and 78. Thank you.